गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम टू द पॉइंट इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर बहुत आसान से टॉपिक को समझेंगे जो कि है मनी एंड इट्स फंक्शन अब जैसे ही आपके आपसे ये सवाल पूछता है कि मनी क्या है तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है कि मनी ऐसी चीज़ है जिसको दे के हम कुछ भी दुनिया की चीज़ खरीद सकते हैं सो माई फ्रेंड्स आपने ये जो सोचा ये बिल्कुल सही सोचा है मनी इन इट्स सिंपलेस्ट टर्म क्या है इज़ द मीडियम ऑफ एक्सचेंज इट अलाउज़ पीपल टू अपटेन वॉट दे वॉन्ट बाई एक्सचेंजिंग गुड्स एंड सर्विसेज दैट ऑफ मनी मनी क्या है एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है इसको देखे कोई भी इंसान अपनी पसंद की कोई सी भी चीज़ खरीद सकता है तो इसलिए इसको क्या कहा गया है मीडियम ऑफ एक्सचेंज अब आप ये सोचिए जब मनी नहीं था तब लोग क्या किया करते थे तब लोग एक सिस्टम जिसको बाटर सिस्टम कहा जाता है वो चलता था उसमें क्या होता था मान लीजिए कि आप चावल की खेती करते हैं तो अब आप को कोई चीज़ खरीदनी है तो आप आपके पास अब मनी तो है नहीं उस टाइम तो मनी होता ही नहीं था तो अब आप क्या करते थे बोरियों में चावल को बांध के ले जाते थे मार्केट में और वहाँ पे जैसे अब अगर आपको उसके बदले में गेहूँ ख़रीदना है तो अब आप गेहूँ वाले के पास जाएंगे और आप बोलेंगे कि मेरे एक किलो चावल के बदले आप एक किलो गेहूँ दे दीजिए तो बाटर सिस्टम में यही होता था कि लोग उस टाइम गुड्स के बदले गुड्स को एक्सचेंज करते थे अब आप सोचिए कि इस सिस्टम में प्रॉब्लम कहाँ आई और क्या ऐसा हुआ कि हमको एक स्टैंडर्ड मीडियम ऑफ एक्सचेंज को लाना पड़ा तो इस सिस्टम के साथ प्रॉब्लम ये थी कि मान लीजिए आपके पास चावल है और आपको चाहिए गेहूँ और आप गए गेहूँ वाले के पास लेकिन गेहूँ वाले को बदले में चावल नहीं चाहिए उसको तो मान लीजिए शुगर केन चाहिए तो आप क्या करेंगे आप? आपके पास तो एक ही अनाज बेचने वाला है और उसको आपके चावल चाहिए नहीं है ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स इसका मतलब क्या होता है कि जरूरी नहीं है जो गुड्स आपके पास देने के लिए हैं वो सामने वाले को भी वही गुड्स चाहिए हो और जो वो गुड्स दे रहा हो वो मान जाए आपको गुड्स देने के लिए तो हमको एक ऐसे इंसान को ढूंढना होगा जो प्रोडक्ट आपके पास देने के लिए जैसे जो इस केस में था आपके पास चावल था देने के लिए तो हमको कोई ऐसा मार्केट uh, में सेलर ढूंढना होगा कि जिसको चावल चाहिए है चाहिए हो और बदले में वो वो गुड़ आपको दे सके जो आपको चाहिए हो जैसे कि इस केस में आपको चाहिए था व्हीट आइए समझते हैं फंक्शंस ऑफ मनी क्या है सो फंक्शंस ऑफ मनी को हम तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं प्राइमरी फंक्शन सेकेंडरी एंड कंटीजेंट फंक्शन अब एक एक करके हम इन फंक्शंस को समझेंगे आपने आने वाली स्लाइड्स में स्टार्ट करते हैं हम प्राइमरी फंक्शन से तो सबसे पहला फंक्शन क्या हुआ मीडियम ऑफ एक्सचेंज जैसे कि मैंने आपको बताया इसको हम एक्सचेंज करके हम अपने पसंद की कोई सी भी गुड्स या सर्विसेज को ख़रीद सकते हैं इसलिए हम इसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज करते मीडियम ऑफ एक्सचेंज कहते हैं हमें डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्स का वेट करने की जरूरत नहीं है कि हम कोई ऐसे व्यक्ति को ढूंढें जो वो जिसको वो प्रोडक्ट्स चाहिए हो जो आप बेच रहे हैं और उसके पास भी वही वाले प्रोडक्ट एट द सेम टाइम हो जो आपको उससे चाहिए थे तो ये सब प्रॉब्लम मनी के साथ नहीं आती है मनी इज़ समथिंग थ्रू विच वी कैन बाय गुड्स एंड सर्विस ऑफ आर डिज़ायर अपनी पसंद की खरीद सकते हैं फ्रीडम ऑफ चॉइस इन योर परचेज एंड वन डज नॉट हैव टू वेट फॉर डबल को इंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स टू गेट अ प्रोडक्ट जैसे कि मैंने आपको समझाया ये एक मेजर ऑफ़ वैल्यू भी है मनी सर्व एज अ मेजर ऑफ वैल्यू और यूनिट बाई विच वी कैन मेजर द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जैसे कि हर एक चीज़ को मापने की एक यूनिट होती है जैसे कि हम टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट या सेल्सियस में मापते हैं हम डिस्टेंस को किलोमीटर्स में नापते हैं और हम किसी भी लिक्विड कमोडिटी uh, को हम लीटर्स में नापते हैं तो ऐसे किसी भी चीज़ की वैल्यू हम कैसे uh, लगाते हैं हम पैसों में या मनी में लगाते हैं कि ये फ्रिज दस हज़ार रुपये का, का है या ये गाड़ी चार लाख रुपए की है ये बिस्किट पैकेट दस रुपये का है या पंद्रह रुपये का है तो क्या है मनी uh, एक मेजर ऑफ वैल्यू है किसी भी चीज़ की वैल्यू पता लगाने का एक तरीका है आइए ये समझते हैं अब सेकेंडरी फंक्शंस को तो उसमें जो सबसे पहला फंक्शन है वो ये क्या कहता है कि मनी इज़ अ स्टोर ऑफ वैल्यू सो अब स्टोर ऑफ वैल्यू से क्या मतलब है कि uh, आप मान लीजिए कि uh, जो जब बाटर सिस्टम होता था तो बाटर सिस्टम में हम क्या कर रहे थे हम कोई सा भी हम गुड्स प्रोड्यूस करते थे जैसे कि फिर से एग्जाम्पल लेते हैं कि मैं राइस या यानी कि चावल प्रोड्यूस करती हूँ तो अब आप चावल को कितने दिन रख सकते हैं अपने पास जैसे कि मान लीजिए आज से आपने दो साल बाद सोचा है कि अब आपको गाड़ी खरीदनी है तो क्या आज से ही आप चावल इकट्ठे करके रखना चालू कर देंगे जैसे कि हम मनी के केस में करते हैं कि हम मान के चलते कि आज से दो साल बाद हमको एक कार खरीदनी है तो आप क्या करते हो अभी से एक पैसे उसके लिए कलेक्ट करना चालू कर देते हो सेव करना चालू कर देते हो बट गुड्स के केसेस में कैसे करते हैं आप कि क्या चावल इकट्ठे करते, करते जाओ वो तो कुछ टाइम बाद उसमें कीड़ा लग जाएगा वो ख़राब हो जाएगा क्योंकि वो क्या एक पेरिशेबल कमोडिटी है कोई भी गुड चाहे वो वीट हो या आ, ये चावल हो या शुगर केन हो वो एक पेरिशेबल कमोडिटी है आप उसको एक सीमित समय के अंदर ही आपको उसको यूज़ करना है ये नहीं कि आप उसको पाँच साल तक इकट्ठे करते जाएं और जी हम पाँच साल बाद सारा अनाज लेंगे और जाएंगे और एक गाड़ी खरीद लाएंगे नहीं ऐसा नहीं हो सकता इसी के लिए हम मनी को यूज़ करते हैं क्योंकि मनी क्या है वो पेरिशेबल नहीं है उसको हम स्टोर कर सकते हैं और अपने पसंद की चीज़ ख़रीद सकते हैं जब भी हमारा मन करे ये नहीं कि हमें इसके ख़राब होने से पहले पहले ख़रीदें क्योंकि मनी तो ख़राब हो नहीं सकता ना पड़े पड़े ठीक है माय फ्रेंड्स अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में जो कि है ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू अब क्या है कि आपको आ, कोई चीज़ है जो आपको ख़रीदने किसी दूसरे सिटी जाना है या अगर आप विदेश भी जाते हैं तो अब आप यहाँ से क्या चावल की बोरियाँ थोड़ी उठा के लेके जाएंगे वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना कि हम विदेश गए हैं चावल की बोरियाँ उठा के ले जा रहे हैं वहाँ से हम सामान ख़रीद के ले आएंगे तो इसके लिए ये ये सब लिमिटेशंस थी बाटर सिस्टम की जिसकी वजह से एक नई चीज़ का इवोल्यूशन हुआ जो कि है मनी सो so, ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू से क्या मतलब है मनी टेक्स लिटिल स्पेस टू बी स्टोर्ड जैसे कि हमें इसकी हम आजकल तो मनी इतना कन्वीनियंट हो गया है कैरी करने में कि आपको कैश भी कैरी करने की ज़रूरत नहीं है प्लास्टिक मनी जिसको हम डेबिट या क्रेडिट कार्ड कहते हैं उनको आप रखिए और आप आपकी दुनिया मुट्ठी में है आप उसको कहीं भी स्वाइप करिए और जो मर्जी खरीदिए सो मनी टेक्स लिटिल स्पेस टू बी स्टोर्ड एंड कैन बी ईज़िली ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इफ़ कम्पेयर टू गुड्स अगर हम गुड्स से इसका कंपेरिजन करें तो ये बहुत ईजिली ट्रांसपोर्ट हो सकती है goods like sugarcane and wheat which were used in barter system uh, with banking activities evolving it is becoming even more convenient to transact even transact with money even if वन इज़ नॉट होल्डिंग इट फिजिकली जैसे कि मैंने आपको समझाया अब आप तो और भी एडवांस चीज़ें आ गई हैं आई एम पी एस आर टी जी एस नेफ्ट हो गया इसमें क्या है आपको फ़ोन चाहिए आपने ऐप आप डाउनलोड कर रखा है बैंक का आप पैसे अपने बैंक से कहीं भी बैठे किसी भी टाइम ट्रांसफ़र कर सकते हैं आपको हाथ में कैश भी लेने की ज़रूरत नहीं है न थर्ड पॉइंट इज एज स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट अब डेफर्ड पेमेंट क्या होता है डेफर्ट पेमेंट वो होता है कि जैसे कोई भी आपने गुड्स एंड सर्विस है वो ले तो आज आपने ली है लेकिन उसका जो पेमेंट का भुगतान है वो आप किसी फ्यूचर डेट पे करेंगे या धीरे धीरे करेंगे जैसे कि होता है इंस्टॉलमेंट्स के केस में अब हम कोई भी महंगी चीज़ खरीदते हैं जैसे कि कोई फ्रिज हो गया गाड़ी हो गई तो क्या करते हैं यूजली या मोस्ट ऑफ द लोग क्या करते हैं उसकी पेमेंट हम इंस्टॉलमेंट्स में धीरे धीरे उतारते हैं तो अब ये चीज़ कैसे पॉसिबल है ये सिर्फ मनी की वजह से ही तो पॉसिबल है कि आज आप कुछ डाउन पेमेंट देके गाड़ी ले आए अपने घर उसको आप यूज़ कर रहे हैं और उसकी पेमेंट्स जो हमने इक्वलाइज्ड मंथली इंस्टॉलमेंट होती है उसमें उतार रहे हैं धीरे धीरे करके फ्यूचर डेट पर वो और वो सब भी क्यों पॉसिबल है क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था फर्स्ट पॉइंट में कि मनी क्या है एक स्टोर ऑफ वैल्यू है आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं किस चीज़ के लिए कि है? आज से पाँच साल बाद भी आपको कोई चीज़ खरीदनी है तो आप मनी सेव करते जाएंगे धीरे धीरे करके और उसको जाके खरीद लेंगे सिंस मनी इज़ एन आइडियल स्टोर ऑफ़ वैल्यू इट इज़ ड्यूरेबल एंड इज़ ड्यूरेबल इट एक्स एज स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स डेफर्ड का मतलब हो गया जिन पेमेंट्स को हम बाद में करते हैं और हाथों हाथ नहीं करते हैं आइए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं अब ये लास्ट फंक्शन है जो है कंटिजेंट फंक्शन इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट आया बेसिस ऑफ क्रेडिट मनी फॉर्म्स द बेसिस ऑफ क्रेडिट फॉर क्रिएशन ऑफ लोन्स अब ये मनी की वजह से ही तो लोन्स क्रिएट हो रहे हैं कैसे लोग जो हैं वो आ, अपना पैसा सेव करते हैं और उस सेविंग्स को कहाँ पे जाकर डिपॉजिट करा देते हैं बैंक में और बैंक उन पैसों को क्या करता है अपने पास थोड़ी रख के बैठ जाएगा भाई वो उससे लोन्स क्रिएट करता है जिस भी जिस अगर किसी बिजनेस फर्म को लोन चाहिए तो वो उनको लोन देता है किसी आ, पर्सनल किसी को पर्सनल लोन चाहिए अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए या कोई भी एक्सपेंस करने के लिए वो उनको लोन दे देता है तो ये लोन क्रिएशन कैसे पॉसिबल है इकोनॉमी में वो तभी पॉसिबल है जब मनी है लोग जैसे कि मैंने आपको साइकिल समझाई लोग जाएंगे मनी डिपॉजिट कराएंगे उसी पैसों का बैंक लोन क्रिएट करके दे देता है बैंक को उस पर इंटरेस्ट मिलता है और उसमें से वो अपना कुछ हिस्सा रख के जिन लोगों ने पैसा डिपॉजिट कराया था सेविंग्स अकाउंट में उनको वापस दे देते हैं बैंक्स क्रिएट लोन ऑन द बेसिस ऑफ सेविंग्स डिपॉजिटेड बाय पीपल इन द बैंक्स ये मैं आपको समझा चुकी हूँ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ नेशनल इनकम अब ये नेशनल इनकम क्या होती है सो माई डियर फ्रेंड्स नेशनल इनकम बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है अब जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हमारे कंट्री में प्रोड्यूस हो रहे हैं एक साल में उसकी इकनॉमिक वैल्यू को अगर हम ऐड कर दें अब आप सारे जितने गुड्स अब आप ऐड करना चालू करिए कि जितने गुड्स बन रहे हैं कंट्री में जितनी सर्विसेज़ बन रही हैं उसकी एक वैल्यू को ऐड करो तो जो हमारे पास फिगर आएगा वो उसको क्या कहते हैं नेशनल इनकम कहते हैं अब जब हम इन गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहे थे तो हमने बहुत सारी चीज़ें बीच में यूज़ करी होंगी हमने रॉ मटेरियल लिया होगा हमने लेबर लगाई होगी कुछ लेबर ऐसी होगी जो रॉ मटेरियल इकट्ठा कर रही है कुछ होगी ऐसे जो उसको प्रोड्यूस कर रही है और कुछ लेबर ऐसी होगी या कुछ हमने एम्प्लॉयज़ ऐसे रखे होंगे जो उन गुड्स को जाके मार्केट में बेच रहे हैं तो अब आप क्या हो रहा है कि इन सबको आप कैसे पेमेंट कर रहे हो कैश में तो पेमेंट कर रहे हो या मनी में तो पेमेंट कर रहे हो अगर ये नहीं होता सिस्टम कि मनी आज होता ही नहीं तो आप कैसे पेमेंट करते रहते कभी आप चावल की बोरियाँ पकड़ा रहे होते हैं कभी आप कहते कि... आज आप गेहूँ ले जाओ चावल तो है नहीं है तो ये ये कोई सिस्टम कोई भी ठीक से नहीं बैठा आपको समझ ही नहीं आता कि जो आपने गुड्स प्रोड्यूस करे हैं उसकी वैल्यू फाइनली क्या आई उसकी वैल्यू कैसे लगाएं कि उसकी वैल्यू आठ गन्ने आठ गेहूं की बोरी हैं या आठ चावल की बोरी है और हम उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जो हम आ, आ, जब उसको बेचेंगे तो जो हमारे हाथ में आएगा उसको आप जिन्होंने आपके लिए काम किया तो उनके बीच में कैसे बांटेंगे तभी पॉसिबल है जब हमारे हम मनी यूज़ करते हो तो हम उसमें सब हम रॉ मटेरियल की वैल्यू लगा सकते हैं और रॉ मटेरियल जिन्होंने प्रोवाइड किया उनको पैसे दे सकते हैं हम लेबर की सैलरी फिक्स कर सकते हैं कि एक मार्केटिंग एम्प्लॉय की सैलरी ये है प्रोडक्शन में जो है वो उनकी सैलरी ये और ये है तो ये जो हमारा मनी है ये हमारा जो नेशनल इनकम है जो हमने गुड्स एंड सर्विस को बेच के इकट्ठी करी थी उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करता है और जो लास्ट पॉइंट है वो ये कहता है इट गिव्स लिक्विडिटी टू द कैपिटल अब क्या है जब आपके पास मनी पड़ा है तो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है उस मनी को किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट करने में अब आप उस मनी को बेच के अपने लिए किसी भी टाइप के असेट्स बना सकते हैं आप गोल्ड बना लीजिए आपने कोई फिक्स असेट्स बना लिए जैसे कि आपने लैंड खरीद लिया या आपने कोई बिल्डिंग ले ली या आपने कोई मशीनरी ले ली तो ये कैसे पॉसिबल है मनी की वजह से पॉसिबल है मनी गिव्स लिक्विडिटी टू द कैपिटल आप इजिली आप अपने मनी को कैपिटल में कन्वर्ट कर सकते हैं जब मन चाहे क्योंकि मनी इज रेडिली एक्सेप्टेड एंड फॉर्म ऑफ एक्सचेंज सो so, यही सब रीज़न की वजह से हम कहते हैं कि इट गिव्स लिक्विडिटी टू द कैपिटल सो फ्रेंड्स अब आई थिंक आपको अब तक ये समझ आ गया होगा कि मनी क्या होता है सबसे बेसिक डेफिनेशन ये हो गई कि एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है इसके कौन से फंक्शंस होते हैं तीन टाइप के हम उनको डिवाइड करते हैं प्राइमरी सेकेंडरी एंड कंटीजेंट फंक्शन और प्राइमरी सेकेंडरी एंड कंटीजेंट का क्या मतलब होता है मैं आशा करती हूँ अभी तक आपको क्लियर हो चुका होगा सो दिस इज़ ऑल फॉर द टुडेज़ वीडियो थैंक यू सो मच